नमस्कार बच्चों, आज हम अपने पहले पाठ के पांचवें बिंदु का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है राष्ट्र की दृश्य कल्पना, विजुअलाइजिंग ऑफ ए नेशन। ये इस बात को बताता है कि क्रांतियों के दौरान यूरोप में क्रांतिकारियों ने राष्ट्र को मूर्त रूप देने का प्रयास किया, एक ऐसी कल्पना की जिससे लगे कि राष्ट्र कोई व्यक्ति है। हमने फ्रांस की क्रांति के समय पढ़ा था, देखा भी था कि फ्रांस में क्रांति को नारी रूपक में पेश किया गया था और इसे लोकप्रिय यूनानी नाम मारियान दिया गया था। इसी प्रकार हमने देखा था कि स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी और टूटी हुई बेड़ियां दिखाई गई थी। ऐसा ही जर्मनी में भी हुआ। जर्मनी में भी क्रांतिकारियों ने राष्ट्र को नारी के रूप में चित्रित या अंकित किया और उसे लोकप्रिय नाम जर्मेनिया दिया गया। जर्मेनिया जर्मनी में राष्ट्र की अभिव्यक्ति का नारी रूप था। जर्मेनिया बलूत के वृक्ष के पत्तों का मुकुट धारण करती थी क्योंकि इसे जर्मनी में वीरता का प्रतीक समझा जाता था। इस बिंदु को, इस पॉइंट को और ठीक तरह से समझने के लिए आइए नजर डालते हैं जर्मेनिया के कुछ चित्रों पर। देखो बच्चों, ये जर्मेनिया की पहली पेंटिंग है जो चित्रकार फिलिप बेट ने 1848 में बनाई थी। इस चित्र को सूती झंडे पर बनाया गया क्योंकि ये फ्रैंकफर्ट संसद के उस सेंट पॉल चर्च पर लटकाया गया था जहां पर ये संसद बुलाई गई थी। इसमें आप देख सकते हैं कि ये मुकुट है, ये बलूत के वृक्ष के पत्तों का मुकुट है, इसके हाथ में ये तलवार है और एक हाथ में झंडा है, जर्मनी का राष्ट्रीय झंडा। ये तलवार वीरता का प्रतीक है, बलूत के वृक्ष वीरता के प्रतीक है, तो ये जर्मनी को एक राष्ट्र का रूप देने का प्रयास था। ये बच्चों जर्मेनिया का दूसरा चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस चित्र का नाम है द फॉलन जर्मेनिया, हताश जर्मेनिया, और ये जूलियस ह्यूबनर ने 1850 में बनाया था। यहां आप देख सकते हैं कि जर्मेनिया जो है वो हताश अवस्था में जमीन पर गिरी हुई दर्शाई गई है। इसके मुकुट और जो इसका दंड है वो पास में ही है। एक इधर साइड में खोपड़ी का चित्र दिखाया गया है। ये जो इसकी अवधि है 1850, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब फ्रैंकफर्ट संसद में राष्ट्रवादियों और उदारवादियों द्वारा जर्मनी को एक राष्ट्र बनाने का प्रयास रूढ़िवादी शासकों द्वारा दबा दिया गया, प्रशा के भूस्वामियों द्वारा दबा दिया गया, तब ये पेंटिंग दर्शाती है कि राष्ट्र जर्मनी या राष्ट्र देवी जर्मेनिया हताश होकर जमीन पर गिर गई। ये देखो बेटा, जर्मेनिया का तीसरा चित्र हमें दिखाता है। इसका टाइटल है जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, यानी राइन नदी पर जर्मेनिया पहरा देते हुए। ये उस समय का चित्र है, 1860 के आसपास का। ये चित्रकार लोरेंस क्लासेन ने बनाया था। इससे ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि जर्मेनिया जो है वो तटीय सीमा पर जर्मनी की रक्षा कर रही है। जर्मन इनके एक हाथ में तलवार दिखाई गई है और इस पर लिखा है कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। इस प्रकार प्रतीकों के द्वारा राष्ट्रवादियों ने राष्ट्र के रूप की कल्पना की। ये हमारा इस अध्याय का पांचवां बिंदु था जो अब पूर्ण होता है। धन्यवाद।